हेलो गाइस, आज आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो गया है और आज मेरा भी एग्ज़ाम था मेंस का। तो मैं आपको एनालिसिस दूंगा। एनालिसिस मतलब हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में क्या क्या आया था, वो तो आपने देख लिया होगा। हम ये डिस्कस करेंगे कि कितना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए और मेरे कितने अटेम्प्ट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश का लेवल बहुत ईजी था। जो जिसका इंग्लिश थोड़ा भी अच्छा है, मतलब जो एवरेज अटेम्प्ट करते, उन्होंने भी यहाँ पे 30+ अटेम्प्ट किए ही होंगे। तो मैं मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ इंग्लिश में। मेरे टोटल 35 अटेम्प्ट हो गए इंग्लिश में, जिसमें से जो 5 मैंने छोड़े उसमें स्पॉट दे रहा था और एक एक दो आई डोंट नो, कोई तो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। तो आई थिंक 28 से 35 के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट होंगे तो वो गुड अटेम्प्ट। तो अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में एक ही बात बोलूँगा मैं, जो मेंस का पेपर था ऊपरी के जैसे था एकदम। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें आप स्टक हो सकते हो। मैंने खुद 40 अटेम्प्ट किए और वो भी आई थिंक 30 मिनट्स में ही 40 अटेम्प्ट हो गए होंगे। और इसमें अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आई थिंक 35+ होंगे तो आपके गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि लेवल इतना भी हार्ड नहीं था कि आप 35 के कम बना सकते हो। और इनपुट आउटपुट का कोई क्वेश्चन नहीं था, वो आता है क्वेश्चन तो थोड़े कम बनते, लेकिन पजल थे। पजल भी प्री लेवल, मुझे तो प्री लेवल से भी इजी लगे। तो यही था रीजनिंग का। सो अगर हम अपना नेक्स्ट सेक्शन देखें तो वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस मुझे तो हार्ड लगा। हार्ड मतलब मेरे टोटल, मैं आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ। पहले मेरे अटेम्प्ट है 23 एंड मुझे तो बहुत स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा दिखे पेपर में। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूछा था, और वो जो यूएसए का 2 टाइम्स प्रेसिडेंट वो भी पूछा था। तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आई थिंक थोड़ा स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा था। तो आई थिंक जीए थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, क्वांट। क्वांट थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था इस बार। मतलब मैंने पिछली बार का पेपर का रिव्यू देखा था तो सब बोल रहे थे कि 35+ अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार अगर आपने 20+ भी बनाए हैं तो आई थिंक वो गुड अटेम्प्ट है। क्योंकि जो DI का लेवल था, जो 2 DI थे, वो मतलब मुझे तो मॉडरेट लगे। रही बात मेरे अटेम्प्ट की, तो मैंने टोटल 28 अटेम्प्ट किए। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कंप्यूटर। अगर आपने MS Excel, MS Word, MS PowerPoint ये टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग किए, इसके आपको शॉर्टकट की मालूम है, तो आपका कंप्यूटर इजी था, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन MS Excel, MS Word और MS PowerPoint से ही थे। और रही बात मेरे अटेम्प्ट की, तो मैंने टोटल 23 अटेम्प्ट किए कंप्यूटर में। सो अगर हम ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो मेरा टोटल 145 अटेम्प्ट हो गए और मैंने महाराष्ट्र से अप्लाई किया था OBC कैटेगरी से। सो फिर आप देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद मैं अपलोड कर ही दूंगा अपने चैनल पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।